गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास सिक्स सीबीएसई का एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज जो वर्ड प्रॉब्लम की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है लिखा गया है, रेनू परचेज टू बैग्स ऑफ द डिफरेंट ऑफ द फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 किलोग्राम्स एंड 69। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं और 75 केजीज और 69 केजी का है, तो इसको कह रहा है कि वह कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट होगा, मतलब कि उससे उसको हम इक्वली एकदम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको इक्वली नाप सकें। तो इसका मतलब यह हुआ कि 75 और 69 केजी जो है, इसका आपको क्या करना होगा, एच सी एफ, आप इसका एच सी एफ निकाल देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो टू है इसको आपको इसमें केवल क्या करना है, इसमें एल सी एम करना है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, एल सी एम करना है। और क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तो लिखा है ना, लेंथ ब्रीथ ऑफ द हाइट ऑफ ए रूम, एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया है 825 सेंटीमीटर, 675 और 475। तो इसका भी आपको क्या करना है, एस सी एफ निकाल देना है। एस सी एफ निकाल देंगे तो इसका भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर जो कि आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। मतलब वह थ्री डिजिट का वह कौन सा नंबर होगा, वो भी स्मॉलेस्ट, तीन अंकों की वह छोटी संख्या बताओ जो 6, 8 एंड 12 से इक्वली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका हमको निकालना होगा एल सी एम। तो आप इसका निकालिएगा 6, 8 एंड 12, इसका आप हमको निकालिएगा एल सी एम, निकाल लीजिए। देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी देखिए 4 और 6 2 से डिविजिबल हैं, फिर 2 से डिवाइड करिए, 3 नहीं होगा तो 3 को ऐसे नीचे कर लीजिए, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी 2 आया फिर एक बार 2 ले जाइए, ये 3 नहीं होगा 2 से, फिर 3, अब देखिए अब ये 3 3 से हो जाएगा, अब नीचे 1 1, अब जब ये आ गया तो ये आपका एल सी एम हो गया। अब लिखिएगा एल सी एम इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 into 3, मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसका एस सी एफ आ गया 24। द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इक्वल टू कितना होता है 100। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100। आप कह रहा है कि वह नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो सो नंबर इक्वल टू हो जाएगा, पहले आप देखिए 100 को 24 इसका एलसीएम आया है, उससे डिवाइड कर दीजिए तो 24 4 जा 16, 4 2 जा 8 96, ठीक है। अब 4 क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा, नंबर जो होगा जो डिविजिबल होगा, जो 6 और 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर है वह क्या हो जाएगा 100, और इसका एलसीएम कितना है 24 माइनस ये 4 रिमाइंडर है, इसको आप इसमें से प्लस कर लीजिए। आप देखिए 24 में से 4 माइनस कर दीजिए 100, ये 4 क्योंकि ये 4 रिमाइंडर है तो यह हो जाएगा प्लस, 24 में से 4 माइनस कर लीजिए 20, तो नंबर क्या हो गया 120, ये आंसर हो जाएगा। तो वह नंबर 120 होगा जो 6 और 8 और 12 से इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 के बाद हमने क्वेश्चन छोड़ा, उसके बाद 6 लिखा है, द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ द डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर द एवरी 48 सेकेंड्स 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज सिमिलरली एट द 7 AM, एट वाट टाइम विल बी द चेंज अगेन। मतलब एक ट्रैफिक लाइट है जो पहले 48 सेकेंड पे जलती है, फिर 72 सेकेंड्स पे, फिर 108 सेकेंड पे ये जल जाती है, उसके बाद क्या होता है,
और उसके बाद जो होता है वो पूछ रहा है कि वह कौन सा टाइम होगा कि जब तीनों एक साथ जल जाएंगे, तीनों बत्ती जो एक साथ जले, तो वह टाइम दिया है कि 7 AM, 7 AM के बाद वो कौन सा टाइम होगा जिस पे ये तीनों बत्तियां एक साथ जल जाएं। तो हमको क्या करना है, इसका जो लिखा है नंबर ना 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड, इसका हमको इसका LCM निकालना होगा। तो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108, इसका निकाल लीजिए आप क्या LCM निकालिए। टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फाइव जा टेन, टू फोर जा ट्वेल्व, ठीक। फिर टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन। फिर देखिए टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू नाइन जा एट्टीन, 27 नहीं हो पा रहा है। फिर टू थ्री जा नाइन नहीं हो पाया, 27 नहीं हो पाया। आप थ्री से होंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री नाइन जा 27। फिर थ्री वन हो गया, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, अभी आ गया। अब सबका वन आ गया, अभी हो गया आपका इसका LCM हो गया। LCM इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, उसके बाद थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, फोर्टी एट थ्री जा, फोर्टी एट थ्री जा, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, वन फोर्टी फोर इंटू थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थर्टीन, थ्री वन जा थ्री, फोर, फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड थर्टी टू सेकेंड्स। अब इसको हम जो है मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज इनटू मिनट्स, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 432 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिक्स फोर जा, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, 420 हो जाएगा, टू वन, तो ये 7 मिनट हो गया और ये 12 सेकेंड्स, तो टाइम क्या हो गया, सो टाइम हो जाएगा 7 AM उसमें दिया है, प्लस 7 AM प्लस 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया कि 7:07 और 12 सेकेंड पे ये तीनों लाइट्स एक साथ जल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय द 6, 15 एंड 18, द लिस्ट द लीव रिमाइंडर 5। और देखिए कह रहा कि वह नंबर ये छोटा से वो छोटी छोटी संख्या बताओ जो 6, 8 और 12 से डिवाइड हो और उसके और उसमें रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे, ठीक है। तो बस इसका LCM निकाल दीजिए 6, 15 एंड 18 का, 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 15 नहीं हो पाएगा, 2, 9 जा 18। फिर देखिए 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15, 3, 3, 3, 3 जा 9, फिर 3, 5, 1, फिर 5, 1, 1। इसका LCM निकाल लीजिए, LCM हो गया, LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 6, 2, 3 जा 6, 6 जा 18, 18, 5 जा 90, 90 हो गया, और उसमें रिमाइंडर कितना हो रहा है, 5। सो लिस्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर हो रहा है, 95। दैट्स ऑल, थैंक यू।